नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल रायपुर। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा स्पोर्ट्स इंजरी इन यंग एडल्ट्स। हालांकि हम टर्म यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी, पर ये इंजरीज ट्रिवियल ट्रॉमा मतलब ऐसी छोटी चोटों से भी लग सकती हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाए, जैसे कि रेड लाइट के लिए रुकते समय बाइक का भार एक तरफ आ जाना और थोड़ा सा ट्विस्टिंग होना घुटने का, अचानक से डांस करने के लिए ऑड फुटवेयर पहन करके जंप कर जाना और घुटने में उसके बाद दर्द होना, सूजन आ जाना, बिस्तर से उतरते समय पैर का मुड़ जाना, घुटने का ट्विस्ट कर जाना। ये इंजरीज जो हैं हमारे घुटने के अंदर कई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको स्टेबिलिटी देते हैं और उसको फ्री एंड लॉकिंग टाइप मूवमेंट्स देते हैं। ये हैं लिगमेंट्स और मेनिस्कस, उसकी इंजरीज करा सकता है। तो क्या हो जो आप देखें कि ये इंजरी हो गई है और मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। अगर इस तरह की कोई भी घटना होना, यानी ट्रिवियल ट्रॉमा, जैसे आप सीढ़ियों से उतर रहे थे, पैर मुड़ गया, बाइक स्टैंड पे लगा रहे थे या रेड लाइट पे रुक रहे थे और पैर घूम गया, उसके कुछ घंटों बाद, 6 से 8 घंटों बाद आपने देखा कि घुटने में काफ़ी सूजन आ गई, या आपने नोटिस किया कि घुटने को मोड़ने और सीधा करने में दिक्कत जा रही है, या आपने नोटिस किया कि मेरा घुटना सीधा तो होता है, बंद तो होता है, सीधा करते समय लास्ट 15-20 डिग्रीज में अटक जाता है, मुझे बार बार आगे पीछे करके सीधा करना पड़ता है, तो ये साइंस हैं आपके लिगमेंट इंजरी के। क्या तुरंत में करना चाहिए? तुरंत में आप पेन किलर टैबलेट्स ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पे पड़े हुए आप डाइक्लोफेनाक, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, इस तरह के पेन किलर टैबलेट्स ले सकते हैं दर्द को कम करने के लिए। घुटने को सीधा रखें, हो सके तो इसको तकिया पे एलिवेट कर दें, बर्फ़ की सिकाई करें, गर्म सिकाई ना करें इस समय, ध्यान रखें कि इस समय बर्फ़ की सिकाई करनी है। नी ब्रेस आती है उसको पहन लें और जल्द से जल्द चिकित्सीय सलाह लें। धन्यवाद।